नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनफिनिक्स हॉट 11s के सारे फीचर्स और इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। इस फोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इनफिनिक्स का XOS 7.6 और इनफिनिक्स का 7.6 जो है एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट OS मिल जाता है और इसके अंदर में आप लोगों को काफ़ी यूनिक और काफ़ी नए नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो सारे फीचर्स को जानने के लिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे और बहुत सारे हिडन फीचर्स आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, लेकिन अगर आप फर्स्ट पे फ़ोन को ऑन करेंगे तो आप लोग का ये 90 हर्ट्ज़ बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल नहीं रहता है, ये ऑटो पे रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ऑल टाइम एनेबल रहे और आपका जो स्मूथनेस है फास्ट ऑलवेज रहे, तो आप लोग उसको बाय डिफ़ॉल्ट से चेंज करके एनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद डिस्प्ले के अंदर जाना है। डिस्प्ले के अंदर जाना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये देख सकते हैं, मैंने 90 हर्ट्ज़ करके रखा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक स्विच रिफ्रेश रेट पर रहता है। तो अगर ऑटोमेटिक स्विच रिफ्रेश रेट पर रहेगा तो कभी कभी आपका 60 हर्ट्ज़ और कभी कभी आपका 90 हर्ट्ज़ पर भी चलेगा। लेकिन अगर आप ऑलवेज 90 हर्ट्ज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको इनेबल करके रख सकते हैं। हालांकि इसकी वजह से आपका बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम स्मूथनेस मिलेगा अपने फ़ोन के अंदर और आपको फ़ोन और भी ज़्यादा फास्ट लगेगा। और यहाँ पे टच रिस्पॉन्स जो है, टच को भी आप लोग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, तो उसके वजह से आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। गेमिंग के आप काफ़ी अच्छे से मज़े ले पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग टच को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फास्ट स्वाइप स्पीड देख सकते हैं। स्वाइप स्पीड आप फास्ट, नॉर्मल, अल्ट्रा फास्ट ये सब कर सकते हैं। मोशन स्पीड को भी आप नॉर्मल से फास्ट बना सकते हैं। तो ये दोनों टच के फीचर और रिफ्रेश रेट के फीचर आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर आप लोग एक और फीचर देखने को मिलता है जो हम लोगों के लिए आजकल नेसेसरी बन गया है, क्योंकि हम लोग मोस्टली रात के टाइम में फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें आँखों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पहुँचता है, तो आँखों को रिलीफ देने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आई केयर का। आई केयर को अगर आप इनेबल करते हैं तो आपका फ़ोन थोड़ा सा येलोइश टोन में बन जाएगा और उसके वजह से आप लोगों की आँखों को कम स्ट्रेन पहुँचेगा। आप इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग अगर चाहे तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट में आप लोगों को लोकेशन इनेबल करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम टाइम पे आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, या फिर सनसेट से सनराइज तक आप इसको इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इसको हमें रात के टाइम में ही ज़रूरत पड़ता है। फ़ोन के अंदर डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है, डार्क मोड को चाहे तो आप यहां से इनेबल कर सकते हैं डायरेक्टली और पूरा सिस्टम वाइड आप लोगों को एक डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। पूरे फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन ड्रॉअर लेके मेनू से लेके हर चीज़ आपका डार्क मोड में बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डार्क मोड ऐसे ऑल टाइम यूज़ नहीं करना है तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। डार्क मोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल का ऑप्शन भी दिया गया है, आप सनसेट से सनराइज तक यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने कस्टम टाइम के हिसाब से आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ का एक ऑप्शन दिया गया है, फॉन्ट साइज़ को आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इनएडवर्टेंटली मोड, तो आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो जब आप पॉकेट में फ़ोन रखते हैं तो पॉकेट में अननेसेसरी टचेस नहीं होंगे। फ़ोन के अंदर आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है और उसके अलावा भी आप लोगों को एक पावर मैराथन करके ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। यानी कि पावर मैराथन के वजह से आपके फ़ोन में बैटरी बैकअप और भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहे तो पावर बूस्ट को इनेबल कर सकते हैं, जिससे एक्टिवेट करने से आपको देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आवर्स तक का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अभी 12.51 आवर्स का यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को भी इनेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से देख सकते कुछ ही ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे और फ़ोन जो है पूरा डिजेबल हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट टाइप का मोड में फ़ोन बन के आ जाएगा और आपका फ़ोन में बैटरी मैक्सिमम आपको 2-3 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा, अगर आपके पास 20% बैटरी भी है तो। इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में एक कूल फीचर आता है जो है 360 फ्लैश लाइट का। नॉर्मली दूसरे फ़ोन्स में आप लोगों को फ्लैश लाइट देखने को मिलता है, ऐसे आप बैक में फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं, लेकिन इस फ़ोन में आप लोगों को फ्रंट में ही फ्लैश लाइट दिया गया है। और इस फ़ोन में आप लोगों को 360 फ्लैश लाइट यानी कि फ्रंट और बैक का फ्लैश लाइट एक साथ ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिलता है।
इसके लिए आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर में फ्लैश लाइट को होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद यहाँ पे 360 फ्लैश लाइट को ऑन कर दीजिए और देखेंगे तो फ्रंट और बैक का फ्लैश लाइट दोनों एक साथ ऑन हो गया है। और इसके अलावा आप अगर चाहे तो सिर्फ फ्रंट का फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकते हैं। इस फोन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को वन हैंड मोड का ऑप्शन दिया गया है। नोटिफिकेशन ड्रॉअर से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करेंगे देख सकते हैं स्क्रीन छोटा होकर बन के आ जाएगा, जिससे आप एक हाथ से फ़ोन को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा है तो वन हैंड मोड बहुत ही हैंडी हो जाता है। और आप अपने हिसाब से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के हिसाब से एडजस्ट इसको कर सकते हैं, और अगर आपको इसको क्लोज़ करना है तो डायरेक्टली क्लोज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर और एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है जो है यहाँ पे थेप मोड। थेप मोड को आप अगर एनाबल करते हैं तो मान लीजिए आप कहीं पे बाहर पे फ़ोन को चार्जिंग पे लगाए हैं, यानी कि ट्रेन स्टेशन या फिर बस स्टेशन में आपने फ़ोन को चार्ज पे लगाया है और थोड़ा सा साइड में आप खड़े हैं, तो अगर आपका फ़ोन थेप मोड ऑन रहेगा तो जब आपका फ़ोन चार्जिंग पे रहेगा तो चार्जिंग पे रहने के बाद कोई भी अगर चार्जिंग से हटाता है फ़ोन को तो ऑटोमेटिक थेप मोड ट्रिगर हो जाएगा और अलार्म टाइप बजेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन में कोई छेड़खानी कर रहा है या फिर फ़ोन चुराने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ का आप काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं और फ़ोन को कहीं पे चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं बाहर में, तो इस चीज़ का आप लोग काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। इन्फिनिक्स के इस फ़ोन में आप लोगों को डार्क लिंक का ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है, जिसके वजह से आप लोगों को गेमिंग एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा। डार्लिंक की मदद से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डार्लिंक इंजन का ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे आप लोग मेमोरी एक्सेलरेशन, सीपीयू बूस्ट, जीपीयू बूस्ट ये सब इनेबल कर सकते हैं, इससे आपका परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ ही में आप लोग डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल कर सकते हैं और रिजेक्ट कॉल्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग गेम्स सेलेक्ट कर सकते हैं किन किन गेम्स के अंदर आप लोग ये फीचर्स इनेबल रखना चाहते हैं। तो आप जो गेम्स बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं उसके लिए आप लोग ये फीचर्स को इनेबल करके रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे यहाँ पे गेम मोड और गेम असिस्टेंट पैनल को आप लोग ऑन करके रख सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे गेम डेटा को, स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं यहाँ पे गेम डेटा के अंदर के जाके। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे गेम एंटी एडिक्शन का एक फ़ीचर दिया गया है, तो ये फीचर एक काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। जनरली जो लोग गेमिंग करते हैं बहुत लंबे टाइम तक गेमिंग करते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गेमिंग एंटी एडिक्शन को अगर आप लोग करेंगे तो देख सकते हैं हेल्थ रिमाइंडर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग इनेबल करेंगे तो 2 घंटे के बाद आपको रिमाइंड करेगा कि आप बहुत ज़्यादा देर तक गेमिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा कम गेमिंग कर सकते हैं अपने हेल्थ को सही रखने के लिए। पैरेंटल कंट्रोल्स यहाँ पे दिया गया है, पैरेंटल कंट्रोल्स को मदद से अगर आप लोग इनेबल करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए ही आप लोग गेमिंग अलाउ कर सकते हैं, तो उसके बाद उस टाइम के बाद जो गेमिंग है बंद हो जाएगा। इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को इनबिल्ट QR कोड स्कैनर देखने को मिल जाता है, तो अलग से आप लोगों को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड को इनेबल करेंगे तो आप लोग कोई भी QR कोड को ईजीली स्कैन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक QR कोड को स्कैन किया और ऑटोमेटिक जो नीचे टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया है। इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, तो 50 मेगापिक्सल के कैमरे के अंदर चलिए थोड़े बहुत फीचर्स आप लोगों को दिखा देते हैं। तो AI कैम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप लोग 50 मेगापिक्सल को कैमरे को इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया है 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन, अगर आप चाहे तो 50 मेगापिक्सल को इनेबल कर सकते हैं और चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर गूगल लेंस का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे शटर बटन के बाजू में आप लोगों को गूगल लेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो गूगल लेंस ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा और उसके बाद आप गूगल लेंस की मदद से सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सर्च करने के बाद सिलेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर विजुअल मैचेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिलेक्ट टेक्स्ट वाला फीचर मुझे काफ़ी पसंद आता है। अगर आपको कोई लंबा जो एसे टाइप है उसको अगर कॉपी करना है तो आप लोग वो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग ऐसे फ़ोटो क्लिक करके उसको पूरा कॉपी करके अपने PC में, मोबाइल में ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइपिंग का टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
और अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज में पता नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ट्रांसलेट का ऑप्शन में आप चले जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑटो डिटेक्ट से हिंदी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन को उसके तरफ करने से ही ऑटोमेटिक ये जो है ट्रांसलेट होके हिंदी में आ जाता है। तो गूगल लेंस ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड यहाँ पे दिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे मुझे लगा। इसके अलावा शॉपिंग के ऑप्शंस दिए गए, यानी कि कुछ चीज़ आप अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप डायरेक्टली फ़ोटो कैप्चर करके ऑनलाइन में ऑनलाइन स्टोर्स में सर्च कर सकते हैं। प्लेसेस को आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, कहीं पर अगर आप गए हो और आपको पता नहीं है एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। फ़ोन के अंदर जो मोड है आप लोग ऐसे स्लाइड कर करके देख सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे नीचे से ऊपर ड्रैग करेंगे तो भी आप लोगों को सारे मोड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वाला मोड भी है। डॉक्यूमेंट मोड में आप किसी भी फ़ोटो को कैप्चर करते हैं तो जो फ़ोटो है वो एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेव हो जाएगा। इस फ़ोन के अंदर जो ब्यूटी मोड दिया गया है, ब्यूटी मोड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे। ये बहुत लोगों के काम में आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली फेस ब्यूटी का ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे बॉडी शेप को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट लाइन, अपने फेस का शेप, अपने शोल्डर्स, ये सब चीज़ों को आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं लेग्स, ये सब आप थोड़ा बहुत चेंज करके अपने बॉडी के शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल अपीयरेंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। फ़ोन के अंदर आप लोगों को एक इनबिल्ट, इस फ़ोन के अंदर एक इनबिल्ट ऐप आता है फ़ोन मास्टर बोल के। फ़ोन मास्टर के अंदर जाके आप लोगों को बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे एंटीवायरस, फ़ोन का ऐप लॉक, ये सब फीचर्स को आप लोग इस्तेमाल यहीं से कर सकते हैं। देख सकते हैं स्टार्ट योर एंटीवायरस आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। फ़ोन का कूलर भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। फ़ोन के कूलर को अगर आप लोग ऑन करते हैं तो फ़ोन अगर गर्म है तो फ़ोन को थोड़ा बहुत कूल यहाँ पे कर देगा। और इसके साथ में आपको ऐप लॉक का फीचर मिलता है। अगर आप कोई भी ऐप को लॉक करना चाहते हैं तो आप पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट डाल के ऐप लॉक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी ऐप को चाहे तो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं और उस ऐप को कोई भी थर्ड पर्सन अनलॉक नहीं कर पाएगा बिना पासवर्ड या फिंगरप्रिंट डाले। देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फेस अनलॉक का फीचर नहीं दिया गया है, यानी कि अगर आप अनलॉक करना चाहेंगे किसी भी ऐप को तो आपको आइदर फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न से ही अनलॉक करना पड़ेगा। टूल बॉक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे डीप क्लीन, फाइल मूवर, ऐप मैनेजमेंट, गेम मोड, फोटो क्लीनर, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट, एक्स हाइड, हैरेसमेंट फिल्टर, ये सब फीचर्स को आप लोग एनेबल कर सकते हैं। चलिए एक एक करके बताते हैं आप लोगों को। फोटो क्लीनर एक काफ़ी अच्छा फीचर है जिसकी मदद से देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है, ब्लरी फोटोज़ को ऑटोमेटिक क्लीन कर देगा, यानी कि जो फोटोज़ थोड़ा सा ब्लरी आया है या फिर फोटोज़ ठीक ठाक नहीं आए हैं उनको ऑटोमेटिक स्कैन करके आपके फ़ोन से ढूंढ के क्लियर कर देगा, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के स्टोरेज थोड़ा सा बच जाएगा। ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट के अंदर जाके आप लोग कोई भी ऐप को ऑटो स्टार्ट होने से रोक सकते हैं, जैसे यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस चीज़ों को आप लोग ऑटो स्टार्ट होने से रोक सकते हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है उसको आप लोग यहाँ पर जाके इनेबल कर सकते हैं, जिससे ये ऐप्स जो है बैकग्राउंड में ऑटो स्टार्ट नहीं होंगे। एक साइड का फीचर भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। एक साइड के अंदर जाके आप लोग फाइल्स, फोटोज़ वगैरह को हाइड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर में। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को एक पासवर्ड सेटअप करना पड़ता है, डबल हैज, उसके बाद 4 डिजिट्स आप लोगों को सेटअप करना है। चलिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने डाल दिया है, तो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोस, रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशंस भी आप लोग यहाँ पे हाइड करके रख सकते हैं। तो एप्लीकेशंस हिडन का ऑप्शन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जनरली फोटोज़, वीडियोस आप दूसरे फ़ोन्स में भी हाइड कर सकते हैं लेकिन ऐप हाइड बहुत ही फ़ोन में नहीं होते। तो चलिए मैं यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम को कन्फर्म कर देता हूँ। देख सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन से हट गया है, एक्चुअली इंस्टाग्राम ऐड हुआ है, इंस्टाग्राम यहाँ पर हट गया है, तो इंस्टाग्राम आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको उस ऐप को इनेबल करना है, उस ऐप को यूज़ करना है, तो आपको दोबारा एक साइड में जाके पासवर्ड डाल के फिर आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन के अंदर इनबिल्ट कंपास देखने को मिल जाता है, तो कंपास के मदद से आप लोग अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपास के मदद से आप लोग लोकेशन वगैरह ट्रैक कर सकते हैं।
अगर आप कहीं पे बाहर में ट्रैकिंग वगैरह पे गए हैं और आपको लोकेशन पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग इसकी मदद से लोकेशन वगैरह ट्रैक कर पाएंगे। फ़ोन के अंदर आप लोगों को ज़ीरो स्क्रीन देखने को मिल जाता है। ये जो लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्लिक करते हैं, ये ज़ीरो स्क्रीन है। ये आपके फ़ोन के कुछ सिलेक्टेड ऐप्स यहाँ पे दिखाएंगे और आपके जो रिसेंट फीड्स है, जैसे आप लोग सर्च वगैरह करते जाएंगे तो फीड्स इसके तरफ से आते जाएंगे। तो इसको अगर आप लोग इनेबल या इसको अगर आप लोग डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ऐसे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद आपको मेन्यू के अंदर जाना है। मेन्यू के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अदर सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप लोगों को ज़ीरो स्क्रीन को डिसेबल कर देना है। ज़ीरो स्क्रीन को डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट से राइट साइड में आके आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप लोगों को और भी कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे वॉलपेपर्स। यहाँ पे आप लोगों को प्रीलोडेड कुछ कुछ वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। इनको आप अपने हिसाब से वॉलपेपर में लगा सकते हैं और मोर में जाके आप लोग और भी वॉलपेपर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा थीम्स का सपोर्ट दिया गया है। थीम्स के अंदर जाके आप लोग अपने फ़ोन्स के थीम्स को चेंज कर सकते हैं। पूरा फ़ोन का लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आपका फ़ोन थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा। और मोस्टली यहाँ पे फ्री थीम्स है तो आप लोग काफ़ी सारे थीम्स का मज़ा ले सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन्स में आजकल पेड थीम्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। फ़ोन क्लोनर का फीचर आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो फ़ोन क्लोनर के अंदर आने के बाद आप अगर पुराने फ़ोन से यहाँ पे स्विच कर रहे हैं तो आपका फ़ोन नए फ़ोन में आप लोग सारे डेटा को एक साथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड और न्यू का ऑप्शन दिया गया है। तो ओल्ड फ़ोन से नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहे तो सारे डेटा आप लोग इजीली ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इंक्लूडिंग मैसेज या फिर कॉल रिकॉर्डिंग या फिर जो कॉल लिस्ट है, डायलर लिस्ट है, वो भी आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। फ़ोन के अंदर किड्स मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो किड्स मोड को अगर लोग इनेबल करते हैं तो किड्स मोड में सर्टेन कुछ ऐप्स को आप इनेबल कर रख सकते हैं जो बच्चे यूज़ कर सकते हैं और बाकी ऐप्स को वो लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए कुछ ऐप को सिलेक्ट कर देते हैं और यूज़ किड्स मोड कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किड्स मोड में एक अच्छा सा वॉलपेपर आ गया है, थोड़ा सा येलोइश टोन बन गया है, यानी कि ब्लू लाइट फिल्टर इनेबल हो गया है। साथ ही में जो ऐप आपने सिलेक्ट किया है वो ऐप यहाँ पे आ गया है। एक अच्छा सा प्यारा सा वॉलपेपर भी आ गया है जिसे आप लोगों को बच्चे को देने में ईजी रहेगा। तो दूसरे कोई ऐप को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा, यहाँ से एग्जिट करने जाएगा तो पासवर्ड पूछेगा। तो काफ़ी हैंडी फीचर है, आप लोग अपने बच्चे को फ़ोन दे दे रहे हैं ये मोड को इनेबल करके दे सकते हैं। कुछ कुछ स्पेशल फंक्शंस आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद देखने को मिलेंगे। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद एकदम नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सोशल टर्बो का ऑप्शन दिया गया है। सोशल टर्बो के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, चलिए आप लोग बताते हैं। सोशल टर्बो के अंदर जाने के बाद देख सकते हैं वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप लोग अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल के ड्यूरिंग। व्हाट्सएप कॉल के दौरान आप लोग व्हाट्सएप में अपना वॉइस को चेंज करके दूसरे चेंज में कर सकते हैं, दूसरे मेल वॉइस फीमेल वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन आप लोगों को दूसरे किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता है। मैं नॉर्मल वॉइस रिकॉर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्ड का। व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डर को आप लोग यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप का भी वॉइस कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे। व्हाट्सएप में वीडियो वीडियो मोड मोस्ट फोन में सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस फ़ोन में आप लोग वीडियो वीडियो मोड को भी इनेबल कर सकते हैं। पीक मोड को इनेबल कर सकते हैं। पीक मोड को अगर आप लोग इनेबल करते हैं तो पीक मोड में आपका जो मैसेज डिलीट हो जाते हैं, जो लोग डिलीट कर देते हैं मैसेज को एक बार सेंड करके, तो वो मैसेज भी आप लोग यहाँ पे रीड कर पाएंगे पीक मोड में। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन को आप लोग इनेबल कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपके पास मैसेज आएगा तो आपको फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन होकर आपको बता देगा कि आपके पास मैसेज आ गया है। व्हाट्सएप मोड का भी एक फीचर है, व्हाट्सएप मोड को इनेबल कर देंगे तो जो आपका मोबाइल डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ कर पाएगा और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप बैकग्राउंड में यूज़ नहीं कर पाएगा। स्टिकर मेकर यहाँ पे इनबिल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अपने पसंद के हिसाब से स्टिकर्स बना सकते हैं, अपने फेस को कट करके या फिर दूसरे किसी के फेस को कट करके अपने हिसाब से आप लोग स्टिकर्स बना सकते हैं। स्मार्ट पैनल का एक फीचर दिया गया है। स्मार्ट पैनल बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, तो ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपके पास स्मार्ट पैनल आ जाता है। स्मार्ट पैनल के अंदर कुछ सिलेक्टेड ऐप्स और कुछ सिलेक्टेड फीचर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्कैनर, फ़ोन लॉक और स्क्रीनशॉट। स्मार्ट पैनल दोनों साइड से आ जाता है, दोनों साइड से आप ड्रैग करके होल्ड कीजिए तो आपके पास दोनों साइड से यहाँ पे स्मार्ट पैनल एक्सेस हो जाते हैं। अगर आपको स्मार्ट पैनल ऑफ रखना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से पैनल सेटिंग्स में जाके आप लोग जो ऐप्स हैं, जो टूल्स हैं, उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
पसंदीदा ऐप्स को आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आपको ईजीली एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर एक और अच्छा फीचर दिया गया है लाइटिंग मल्टी विंडो का। इसके मदद से आप लोग फ्लोटिंग विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ऐप में अगर आप लोग ओपन किए हैं और उस ऐप से आप लोग बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उसको क्लोज नहीं करना चाहते, तो ऐसे थ्री फिंगर से आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। तो देख सकते हैं ये ऐप जो है क्लोज नहीं हुआ है और फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो गया है। आप इसको सिलेक्ट करके आप जैसे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं या फिर से फ्लोटिंग विंडो में रख सकते हैं। दूसरा कोई भी ऐप आप यहाँ पर चालू कर सकते हैं, दूसरा कोई भी ऐप आप चालू कर सकते हैं और उस ऐप को यहाँ पर ओपन करके रख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है मल्टीटास्किंग का, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे आप लोगों को स्प्लिट स्क्रीन का फीचर तो यहाँ पे दिया गया है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद आप यहाँ पे ऐसे स्प्लिट स्क्रीन भी चालू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्शन एंड जेस्चर का फीचर दिया गया है। एक्शन एंड जेस्चर के अंदर देख सकते हैं टैपिंग टू वेक, डबल क्लिक से आप फोन को वेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं जैसे म्यूजिक जेस्चर है, टेक स्क्रीनशॉट थ्री फिंगर्स है, ये बाई डिफॉल्ट इनेबल रहता है। आप ऐसे थ्री फिंगर से स्लाइड करके भी फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेज टू ईयर करेंगे तो ये आप फोन अगर आपका फ़ोन अगर रिंगिंग है, आप फ़ोन को कान की तरफ लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। स्मार्ट स्क्रीन भी एक फीचर है, स्मार्ट स्क्रीन को इनेबल कर देते हैं तो आपका फ़ोन टेबल पर अगर कहीं पर रखा है और आप फ़ोन को हाथ में ऐसे उठाते हैं तो फ़ोन आपका ऑटोमेटिक वेक हो जाएगा। डुअल ऐप का फीचर आप लोगों को इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है जिसका नाम है एक्स क्लोन। प्रीवियसली इन्फिनिक्स के कुछ फ़ोन्स में डुअल ऐप का फीचर नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डुअल ऐप का फीचर मिलेगा। तो सेटिंग्स के अंदर, स्पेशल फंक्शन के अंदर, एक्स क्लोन के अंदर जाके आप लोग अपने फेवरेट्स ऐप का डुअल ऐप मोड बना सकते हैं। फ़ोन के अंदर और भी फीचर्स हैं जैसे यहाँ पे फ्रीज़र का ऑप्शन दिया गया है। फ्रीज़र के ऑप्शन के अंदर अगर आप कोई भी ऐप को ऐड कर देते हैं तो उस ऐप से ना ही आपको मैसेजेस रिसीव होंगे ना ही नोटिफिकेशंस आ जाएंगे आपके पास। तो कोई ऐप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन सेंड करता है, तो उसको आप लोग यहाँ पर फ्रीज़र पे ऐड कर सकते हैं और वो ऐप तब तक इनेबल नहीं होगा जब तक आप यहाँ पर आके उसको इनेबल ना करें। और इसके यहाँ पर और भी एक फीचर है यो पार्टी बोल के। यो पार्टी के अंदर आएंगे तो आप लोग दो तीन फोन्स को एक साथ कनेक्ट करके म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि तीन चार फोन्स में एक ही साथ में एक ही म्यूज़िक वगैरह प्ले होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने थ्री फिंगर्स स्क्रीनशॉट का बताया लेकिन लॉन्ग स्क्रीनशॉट का नहीं बताया। यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी सपोर्टेड है, तो अगर आप लोग नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर थ्री फिंगर्स से भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग को एक स्क्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, इसकी वजह से आप लोग लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल कर करके जितना तक आपको स्क्रीन लेना है उतना तक आप यहाँ पे करके फिनिश स्क्रॉल शॉट कर सकते हैं और आपका जो स्क्रॉलिंग है वो और आपका जो लंबा स्क्रीन शॉट है वो यहाँ पर बन के आ जाएगा। डिजिटल वेलविंग का फीचर भी यहाँ पे इनबिल्ट आप लोगों को मिल जाता है। डिजिटल वेलविंग के अंदर जाने के बाद आप अपने फ़ोन का यूजेज डेटा चेकआउट कर सकते हैं, कितना टाइम तक आपने किस ऐप को यूज़ किया है। उसके साथ में भी आप लोग टाइमर लगा सकते हैं किस ऐप को आप लोग यहाँ पे कितने देर तक यूज़ करना चाहते हैं, देख सकते हैं। हर ऐप के बाद यहाँ पे एक सैंड क्लॉक का ऑप्शन दिया गया है। आप पर्टिकुलर कुछ ऐप को अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहते, आप उससे एडिक्शन थोड़ा सा हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग टाइमर लगा के उस ऐप के अंदर टाइमर डाल सकते हैं और उस डे के लिए उस टाइम के बाद वो जो ऐप है वो यूज़ नहीं होगा। फोकस मोड को भी आप लोग इनेबल कर सकते हैं। फोकस मोड को इनेबल करने के बाद कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऐप्स ही आपके पास इनेबल रहेंगे, बाकी सारे ऐप्स डिसेबल हो जाएंगे, जिससे आप लोग पर्टिकुलर उन ऐप्स में ही कॉन्सेंट्रेट कर पाए। पैरेंटल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। पैरेंटल कंट्रोल्स के अंदर गूगल फैमिली लिंक के मदद से आप लोग दूसरे फ़ोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये फ़ोन अगर आप किसी बच्चे को देना चाहते हैं तो उस बच्चे को दे के आप लोग कुछ पैरेंटल कंट्रोल सेटअप कर सकते हैं। कौन कौन से ऐप कितने देर तक यूज़ कर पाएगा वो सब चीज़ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है जिसको आप लोगों को यूज़ ज़रूर करना चाहिए। गैलरी के अंदर जाएंगे तो गैलरी के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक टूल्स मिलेगा। टूल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं जैसे कोलाज का फीचर। कोलाज यानी कि आप तीन चार फोटोज़ को एक साथ लगा के कोलाज कर सकते हैं। एक शेयर का ऑप्शन दिया गया है यानी कि डायरेक्टली आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं फोटोज़ को। फोटोज़ को अगर आपको कंप्रेस करना है, अगर आपके फ़ोटोज़ ने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है स्टोरेज, तो आप लोग कंप्रेस करके फ़ोटोज़ का साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्लीन फ़ोटोज़ कर सकते हैं। क्लीन फ़ोटोज़ के अंदर जाके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर फ़ोटोज़, डार्क फ़ोटोज़ या फिर ब्लर फ़ोटोज़ को क्लीन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नियर बाय शेयर का फीचर भी दिया गया है जो मैं बताना भूल गया। नियर बाय शेयर को ऑन करने के बाद आप लोग विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर में
लार्ज फाइल्स को सेंड कर सकते, वो भी वाईफाई की मदद से बहुत ही फास्ट, जैसे हम लोग जेंडर और शेयर वगैरह यूज़ करते थे। अभी वो सब ऐप यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नियर बाई शेयर को ऑन करके फाइल्स, फोटोज, वीडियोस वगैरह सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप लोग चाहे तो साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी आप लोग चेंज कर सकते हैं, साउंड आप लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं कैसा आपको साउंड रिकॉर्ड करना है। और दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा इन्फिनिक्स हॉट 11S का टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके फीचर्स का वीडियो। मुझे उम्मीद है इसके फीचर्स आप लोगों को पसंद आए होंगे, अगर आप लोग इसके फीचर्स पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोग और भी ऐसे वीडियोज़ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।